बिहार की रुपौली सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि रुपौली सीट पर उपचुनाव करवाए गए थे और यहां पर जेडीयू उम्मीदवार कलाधार प्रसाद मंडल आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले शंकर सिंह हैं, जबकि यहां से पूर्व विधायक रह चुकी बीमा भारती 4,200 वोटों से पीछे चल रही है। रुपौली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को हुए उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। इस सीट पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती और जनता दल यूनाइटेड ने कलाधार मंडल के बीच मुकाबला माना जा रहा है। बीमा भारती पहले जेडीयू में थी, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया और इस वजह से यह सीट खाली हो गई थी। बीमा भारती को राजद ने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन हार गई। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि सभी सीटों की मतगणना 8 बजे से शुरू हो गई है और दोपहर तक परिणाम घोषित हो जाने की संभावना है। जिन 13 सीटों के परिणाम आज घोषित हो रहे हैं, उसमें बिहार की रुपौली सीट भी शामिल है, जहां एनडीए की तरफ से जेडीयू और इंडिया ब्लॉक की तरफ से आरजेडी के बीच मुकाबला है। जेडीयू ने यहां कालाधार मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतारा। बीमा भारती की यहां से पहले जेडीयू की विधायक थी, लेकिन बाद में वह आरजेडी में शामिल हो गई, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई। बीमा भारती ने पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यहां 10 जुलाई को करीब 52.75% मतदान हुआ था। लेकिन आपको बता दें, रुपौली सीट काफी अहम मानी जा रही है। खास तौर पर देखा जाए तो बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला माना तो जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे गिनतियां बढ़ रही हैं, जाहिर सी बात है बीमा भारती पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं, और माना यही जा रहा है कि सीट पर जेडीयू की जीत होगी, आरजेडी की बीमा भारती की हार लगभग तय है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनावी नतीजे आ रहे हैं, रुपौली सीट को लेकर के बीमा भारती की सारी उम्मीदें खत्म होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।